हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी हालत देख के लग ही रहा होगा कि पता नहीं कहाँ से मैं उठ के चली आ रही हूँ। सुबह से इतने सारे काम फिनिश किए हैं और ऐसा लग रहा है जितने फिनिश किए हैं उतने वापस और आ गए हैं, तो इसीलिए मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि हम संडे को कहीं जाने वाले हैं, तो हमें जहाँ जाना है वो उसका टाइम है 3 o'clock, 3:30 के बीच हम निकलेंगे। बट उसके पहले मुझे बहुत सारा काम करना था जिसके लिए मुझे दर्शन की हेल्प चाहिए थी। तो मंडे टू फ्राइडे तो उनका ऑफिस रहता है, तो उस बीच में वो मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। सो आई थॉट सैटरडे या संडे को मैं उनको बोलूँगी मुझे थोड़ी सी हेल्प करा दें। बट सैटरडे को भी मीशी का डांस परफॉर्मेंस था, तो 1 o'clock हमें पहुँचना था, तो हम बहुत जल्दी जल्दी निकल गए थे। तो आज ऐसा था कि मुझे करना ही था, तो ये सारा कुछ है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी किचन की हालत, इतनी बुरी हुई पड़ी हुई है। और जब मेरा किचन मैसी होता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है मेरे किचन में। वेलकम टू माई मैसी किचन। ये हाल है एट प्रेजेंट मेरे किचन का। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैं रेडी कर रही हूँ, तो इसीलिए किचन बहुत फैल गया है। प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस मैस को। मैं लंच बना रही थी जिसमें आज पक रहा है मशरूम मटर। मशरूम दर्शन लेके आए थे, तो मुझे लगा मंडे तक रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए आज ही कुक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कर्ड सेट करनी है, तो उसके लिए मिल्क बॉईल कर दिया है जिसे मैंने 2 पॉट्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट क्विकली ठंडा हो और जाने से पहले मैं कर्ड सेट कर दूँ। और यहाँ पे मैं बेकिंग के लिए बैटर रेडी कर रही थी, तो ये सारा काम जो है पूरा फैला हुआ है। यूजुअली सैटरडे या संडे जिस भी दिन हम बाहर जाते हैं, मैं कुकिंग बहुत सिंपल रखती हूँ सो दैट मैं किचन से फ्री रहूँ। पर आज मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारा काम एक साथ फैला लिया है और मुझे बाहर भी जाना है, सो जल्दी जल्दी से ये काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं बाहर। किचन के काम को मैंने दे दिया है थोड़ी देर के लिए पॉज और मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे रूम्स की बेडशीट्स चेंज करनी थी। आई थॉट कि जाने से पहले मैं लॉन्ड्री भी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर उतनी एनर्जी बचती नहीं है। इसीलिए जितने भी बेडरूम है मेरे घर में, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे अपने बेड की बेडशीट चेंज करना लगता है, क्योंकि इसका मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है। लास्टिक वाली बेडशीट है इस मैट्रेस की, तो जब भी मैं लगाती हूँ बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती है, क्योंकि एक तरफ से खींचो तो दूसरी तरफ से निकल जाती है। बट ठीक है, हाल फिलहाल कैसे कैसे करके मैंने लगा ली है। इंडिया में जितनी कलरफुल बेडशीट्स, जितनी अच्छी प्रिंट्स की बेडशीट्स मिलती हैं, यहाँ वैसी तो नहीं मिलती। तो मैंने अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को बोल दिया है कि वो मेरे लिए लेके रखें। होपफुली जब नेक्स्ट ईयर मैं आऊँगी तो लेके जाऊँगी। अब बारी है मीशी के रूम की बेडशीट चेंज करना। वो नीचे है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि उसे अपने बेडरूम में हमेशा ही पिंक कलर की बेडशीट चाहिए, जो मेरे पास एक ही है। तो अभी मैंने उसे निकाला है, तो दूसरी ये कलर की मैं लगा रही हूँ जो वो मुझे लगाने नहीं देगी, तो जल्दी जल्दी से मैंने लगा लिया जब वो ऊपर नहीं है। और इसके रूम में बस अब मुझे वैक्यूम करना है, कुछ टॉयज़ हैं वो साइड कर दूँगी मैं। अब बारी है नाइशी के क्रिप की बेडशीट चेंज करना। ये सबसे इजी और लेस टाइम टेकिंग है, छोटा सा इसका मैट्रेस है तो फटाफट ये हो जाएगा। आज कह सकते हैं कि मेरे घर में पूरी तरीके से धोबी घाट खुला है। पर जिस भी दिन ये काम होता है, बेड देखने में ही बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। केवल बेडशीट चेंज करने से ही कंप्लीट लुक रूम का चेंज हो जाता है। तो फिलहाल ये काम मेरा हो गया है डन। और लास्ट रूम है मीशी के दर्शन के ऑफिस रूम का, उसकी बेडशीट भी मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी मैं लॉन्ड्री ऑन। ये कुशन कवर वॉश करने में डाला है मैंने, जब ड्राई हो जाएगा तब मैं लगाऊंगी। कमिंग बैक टू किचन, सबसे पहले मैंने कर्ड सेट करने के लिए लगाई है, क्योंकि मिल्क उतना ठंडा हो गया था जितना मुझे कर्ड के लिए चाहिए था। तो मैं कर्ड वैसे इंस्टेंट पॉट में ही सेट करती हूँ। ये मुझे सजेशन एक फ्रेंड ने दिया था, क्योंकि बिना इंस्टेंट पॉट के यहाँ पे कर्ड उतनी अच्छी नहीं जमती, हमेशा वो स्लाइमी सी कर्ड सेट होती है। तो इंस्टेंट पॉट में ही मैं जमाती हूँ, 8 आवर्स के टाइमर में बहुत अच्छी जम जाती है।
और अब बेकिंग का काम करते हैं फटाफट से। ये भी ऑलमोस्ट डन है और साथ साथ मैंने मशरूम और मटर दोनों ऐड कर दिया है अपनी ग्रेवी में, क्योंकि मीशी मशरूम नहीं खाती है इसीलिए थोड़ी सी ग्रेवी मैंने साइड कर ली है। इसमें मैं पनीर ऐड कर दूंगी तो वो खा लेगी। आज एक्चुअली थोड़ा गर्म दिन है तो मेरे पास बहुत थोड़ा सा कर्ड था, सो आई थॉट रायता बना लेती हूँ, वो हम तीनों के लिए हो जाएगा, कर्ड तीनों के लिए नहीं हो पाती इसीलिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने रायता भी रेडी कर लिया है, अब बस मुझे रोटियाँ सेकनी हैं। जो मैंने केक बेक किया है उसके लिए मैंने ये बनानास यूज़ किए थे, इसे पर्पसली मैंने ओवर राइप करने के लिए छोड़ा था क्योंकि फिर वो बहुत अच्छा केक में टेस्ट इसका आता है। इसके स्कूल में नट फ्री फूड अलाउड है, किसी भी तरीके का नट पीनट आप नहीं भेज सकते हैं। तो जो मैं केक बना रही हूँ बनाना वॉलनट केक है, तो मैंने दो बैचेस में डाला है इसको, एक छोटे से कंटेनर में मैंने मीशी के स्कूल के लिए रेडी करने के लिए डाला है, उसमें मैं वॉलनट नहीं डालूंगी, और जो मैं अपना घर के लिए बना रही हूँ उसमें मैं वॉलनट चॉप करके डाल रही हूँ। केक को मैं अवन में डालूंगी कुछ 40 मिनट्स के लिए, और जब तक केक बेक हो रहा है मैं अपना सिंक क्लीन कर लेती हूँ, जितने भी डिशेस निकले थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मेरा किचन बहुत बेहतर हालत में हो गया है। इतना मैसी हो गया था कि खुद देख करके नहीं अच्छा लग रहा था, ओपन किचन है तो थोड़ा भी फैल जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोटियाँ मैंने सेक ली हैं और यहाँ पे मैंने अपना जो लंच है वो सर्व कर दिया है, गरम गरम मशरूम मटर पापड़, रोटी है, रायता है, एंड बस अब खा के हम जल्दी से निकलेंगे। और जाने से पहले मेरा केक भी बेक हो गया था तो उसे मैंने निकाल के रख दिया है, बिल्कुल परफेक्टली ये राइज हुआ है। लंच करने के बाद हम सारे क्विकली रेडी हो गए और निकले हैं हम कॉर्न मेज़ के लिए। कॉर्न मेज़ क्या है आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं आगे दिखाऊंगी कि क्या है वो, और उसे देखने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और संडे को हम निकले हैं एडमंटन कॉर्न मेज़। बेसिकली ये कॉर्न के खेत हैं, भुट्टे के खेत, और साथ साथ सनफ्लावर का गार्डन भी है पूरा काफ़ी ह्यूज स्केल पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छा है तो वी थॉट कि ठंड चालू हो उसके पहले जितना हो सकता है ये सब चीज़ें इंजॉय कर लें, उसके बाद तो घर में ही रहना है हमें 6-8 महीने, तो वहीं निकले हैं। और इतना ज़्यादा यहाँ क्राउड है, यहाँ मेरी तरफ दिख रहा है ये है फार्मर्स मार्केट, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हम आज इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि नाइशी का कुछ आइडिया नहीं रहता, वो कभी भी एकदम से रोने लगती है तो फिर हमें बस जल्दी जल्दी माइंड अप करना पड़ता है। यहाँ पे टिकट्स का काउंटर है पीछे, तो इधर आप यहाँ से ले लीजिए या फिर ऑनलाइन बुक कर लीजिए, तो हमने ऑनलाइन बुक कर ली थी। बस नाउ वी आर हेडिंग टू द वेन्यू। साथ में ही थी फार्मर्स मार्केट जो बहुत ही छोटू सी है, यूजुअली बहुत बड़े स्केल पे होते हैं फार्मर्स मार्केट जहाँ भी होते हैं, बट ये बहुत छोटी सी है तो मैंने सोचा आपको एक बार ग्लिम्स दिखाती हूँ इसकी कि ये क्या होता है। बेसिकली जो लोकल वेंडर होते हैं वो अपने हाथ से सामान बना करके सेल करते हैं इसमें, तो ब्यूटिफुल से सोप्स हैं, हैंडमेड सोप्स, पेंटिंग्स हैं, कुछ खाने पीने का सामान है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ से कुछ भी खरीदने वाली नहीं हूँ बट आपको दिखाने के लिए मैं अंदर आ गई। सो चलते हैं अब अंदर। वैसे तो टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक कर दिए थे बट काउंटर पे जाकर के उनको दिखाना था, और फिर उन्होंने हमें दिए रिस्ट बैंड्स जिसे पहन करके ही आप अंदर एंटर कर सकते हैं, तो वो हम तीनों ने ले लिए हैं। और बहुत ह्यूज स्केल पे यहाँ पर उन्होंने सेटअप ही किया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोविड के बाद बहुत रेयर ही ऐसा हुआ है कि हम ऐसी जगहों पे आए हैं जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हों। एक तरफ था यहाँ पे फार्म एनिमल्स जिसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ये एनिमल्स देखने को नहीं मिलते हैं।
मुझे ज़ू की याद आ गई। टोरंटो ज़ू हम जब गए थे तो वहाँ इस तरीके से हमने कुछ कुछ एनिमल्स देखे थे। और उसके बाद अब मीशी बहुत खुश हो रही थी इन्हें देख करके। नाइशी तो फ़िलहाल बहुत छोटी है तो उसे ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पीछे है कॉर्न मेज़ और सनफ्लावर का जो पूरा गार्डन है, साथ साथ ही है ये। धीरे धीरे लोग अंदर जा रहे हैं बट थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा है क्योंकि सनफ्लावर के आसपास बीज बहुत होती हैं। तो देखती हूँ, अगर ज़्यादा लगेगा तो मैं नहीं जाऊँगी, दर्शन और मिशी चले जाएंगे या फिर हम वन बाय वन करके ही जाएँगे। नाइशी अभी अभी सो गई है। इट्स सच अ लाइवली ब्राइट एंड एनर्जेटिक डे। वैसे भी जब धूप निकलती है तो ठंडी जगहों पे बहुत अलग तरीके की वाइब होती है। खैर यहाँ तो अभी गर्मी चल रही है बट स्टिल आई एम हैप्पी कि बाहर हम आए। ये चेयर बहुत ही खूबसूरत पिक्चर पॉइंट था जिसके लिए लंबी क्यू थी, तो लगी हाथ मैंने भी अपनी एक पिक्चर क्लिक करवा ली। सो अब चलते हैं कॉर्न मेज़ के अंदर। हम तीनों साथ में ही अंदर आए हैं क्योंकि मैंने चेक किया था बीज नहीं थे वहाँ पे, तो ये अच्छा है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो कॉर्न मेज़ जो है वो बेसिकली भुट्टे के खेत हैं जिसके बीच में से ऐसे रास्ता जा रहा है और पज़ल की तरह उन्होंने पूरा ये बनाया है जिसमें कहीं पे रास्ता बंद है, कहीं पे रास्ता गलत है और कहीं पे रास्ता सही है। तो आपको सही रास्ता ढूंढना है और फिर बाहर निकलना है। भूल भुलैया आप इसे कह सकते हैं। जगह जगह इन्होंने हिंट के लिए क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर्स भी वही हैं। सर हर अलका तलवेजा सिन नंबर पिछले हाफ एन आवर से गोल 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 हम घूमे ही जा रहे हैं। दो हमें मैप मिला है बट फिर भी उसे फॉलो नहीं कर रहे। मीशी मैडम हमें बता रही है कि मुझे लगता है इस तरफ से जाना चाहिए और हम बस भूल भुलैया की तरह ऐसे ही घूम रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, कुछ नया करने को मिल रहा है। तो घूमते घूमते हमें हो गए हैं 40 मिनट्स। ऐसा लग रहा है कहीं खो गए हैं हम, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से बाहर निकलना है। 1 to 10 क्वेश्चंस दिए हुए थे जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं तो उन क्वेश्चन बोर्ड तक भी पहुँचना है तभी हम बाहर निकल पाएंगे। और दर्शन मीशी को डरा रहे थे कि हमें नहीं लगता है कि हम बाहर निकल पाएंगे, आज तो हमें यहीं सोना पड़ेगा। और वो बहुत डर रही थी कि नहीं मम्मा मुझे तो बाहर निकलना है यहाँ से। सो लकीली क्वेश्चन 8 तक हम पहुँच गए हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है और साथ में हिंट भी दिया हुआ है तो इन्हें रीड करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन और बाहर निकलना है। तो करते करते हमने क्वेश्चन 10th भी क्लियर कर लिया और कुछ 45 मिनट्स के बाद हम आ गए हैं बाहर। सो कॉर्न मेज़ पे तो हमने बहुत इंजॉय किया बट सनफ्लावर गार्डन को इंजॉय करने के लिए हम 2 to 3 weeks लेट हो गए थे और वो धीरे धीरे सारे फ्लावर्स डेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं थे। मैं तो बहुत टायर्ड हो गई थी इसलिए मैं गई नहीं क्योंकि नाइशी को मैं लेके उस तरफ जाना नहीं चाहती थी, उस तरफ बीस थी। दर्शन और मीशी बस थोड़ा थोड़ा आगे से ही घूम के आगे क्योंकि वो भी बहुत बड़े स्केल पर था। हमारे नेबर हैं जिन्होंने हमें इस कॉर्न मेज के बारे में बताया था तो तब से ही हम प्लान कर रहे थे कि एक बार जाके देख के आएंगे बट वो प्लान हो नहीं पा रहा था, हर वीकेंड वेदर इतना गर्म था तो सोचा इस बार होके ही आते हैं। आज भी दो गर्म है बहुत बट नेक्स्ट वीक से फिर बारिश है और वेदर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो सोचा कि आज ही चलते हैं। जब हम टोरंटो में थे हमने स्ट्रॉबेरी पिकिंग करी थी और तब हम नए नए आए थे, हमारी फर्स्ट समर थी और हमारे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था।
मैंने सोचा था जब नेक्स्ट ईयर समर्स आएंगी हम फिर से वो पिकिंग का एक्सपीरियंस करेंगे. एप्पल पिकिंग होती है, पीच पिकिंग होती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पिकिंग होती है. आप कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, पर वो चीज़ हुई नहीं. हम आगे एडमिंटन, और एडमिंटन जब हम आए थे तब कोविड चालू हो गया, तो सब चीज़ें वैसे भी बंद हो गई थी. तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दो आई एम वेरी टायर्ड, बट ठीक है. वीकेंड पे ये सब चीज़ें कर लो, अदरवाइज वीकडे पे तो पॉसिबल है नहीं. सच अ वंडरफुल डे इट वॉज. मेज़ का जो फ़न है बहुत मज़ा आया एक्सपीरियंस करके, और ये चीज़ हमने पहले कभी भी ट्राई नहीं करी थी, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी ये. जब हम आए थे पार्किंग इतनी दूर तक फुल थी, और अभी आप देखिए धीरे धीरे सब खाली हो रहा है क्योंकि 6:30 हो चुके हैं. सो ऐसा सा रहा हमारा वीकेंड. सैटरडे संडे हमने जो कुछ भी किया मैंने आपके साथ इस ब्लॉग में वो शेयर किया है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूँगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.